प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने पति को पानी में मिलाकर दिया जहर, पति की हालत गंभीर। खबर शिवपुरी से आ रही है, जहां प्रेम प्रसंग के चलते पत्नी ने अपने ही पति को पानी में जहर मिलाकर पिला दिया, जहां पति की हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के अनुसार गोवर्धन थाना के अंतर्गत बूर्दा ग्राम में देवी सिंह जाटव पुत्र दुर्ग जाटव उम्र 38 वर्षीय, उसकी पत्नी काजल जाटव जो उसके प्रेमी रामे जाटव के साथ मुड़ेरी में रह रही है, जहां उसने अपने पति को कॉल करके बुलाया और कहा कि मुझे यहां से ले जाओ। उसके बाद पति पहुंचा और पानी में पत्नी द्वारा जहर मिलाकर दे दिया गया, जिसके चलते होश में आने के साथ प्रेमी रामे अपने भाइयों से धमकी दिलवाई और देवी सिंह को होश होने के साथ साथ वह बाइक की मदद से शिवपुरी बस स्टैंड पहुंचा और वहां जाकर बेहोश हो गया, जिसके चलते वहां पर मौजूद ऑटो चालक द्वारा उसको जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका उपचार कराया जा रहा है। आपको बता दें कि देवी सिंह जाटव ने बताया कि उसकी पत्नी को पहले समूह में निकला हुआ था, जिसके चलते 30,000 रुपये पूर्व में ले गई थी और 2,000 रुपये वर्तमान में ले गई और अपने प्रेमी के साथ षड्यंत्र रचकर उसने मारने का भी प्रयास किया। आज पानी में जहर डालकर किया गया। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम देव सिंह है। ये क्या कुछ हुआ तुम्हारे साथ? मेरी घरवाली ने काजल ने जहर पिला दिया मेरे को। कैसे पिला दिया? पानी में डाल के। मेरे को बुलाया घर पे, शाम को फोन करके आया मेरे को ले जाओ, और मैं गया पानी दिया, पानी में जहर दे दिए, भीतर से लाई, मैंने पी लिया, फिर मेरे को मारने की धमकी दे रहे तो ये पुलिस में बंद करवा देंगे। कौन धमकी दे रहा? काजल और उसके रामे के भाई 4-5। रामे कौन है? उसको रख रहा है मेरी घरवाली काजल को। कब से रख रहा है? वो 6-7 महीने से रख रहा है। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे और वे छोड़ नहीं रहे, बोले तू यार लिख दे मेरे को और तभी छोड़ेंगे, और मैं लिख दूंगा तो भी नहीं छोड़ोगे तो मैं क्या करूँ। तुम यहाँ कैसे आए फिर? मेरे को मैं बड़ेरी से तो बस होश में था तब, तो मेरे मोटरसाइकिल पर एक रोक में बैठ के आ गया, पर वहाँ से मैं फिर टैक्सी वाले मुझे यहाँ तक छोड़ा। मेरा निवास कहाँ पे है वैसे? मेरा निवास बूढ़धाम है। तो वहाँ पे आपने कोई शिकायत वगैरह की थी के पहले की? हाँ, थाने में शिकायत की है, एसपी साहब के तहत शिकायत की है, अभी बेराड़ में 4-5 दिन पहले शिकायत की, 6 तारीख को गोवर्धन में भी की है, कोर्ट में भी केस चल रहा है मेरा। क्या चाहते मैं अपनी घरवाली को वापस ले जाना चाहता।